नाज़रीन डार एजुकेशन के HTML वीडियो ट्यूटोरियल के सेशन नंबर 1 में आपको खुशामदी। आज हम बेसिक HTML को करेंगे। HTML बेसिकली है क्या? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसको हम मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि जो भी इसके दरमियान होगा वो लेस देन और ग्रेटर देन के टैग के दरमियान होगा। जैसे कि आप इसके बारे में देख सकते हैं, ये हम इसको Dreamweaver यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके अलावा भी इसके अलावा भी बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटाने के लिए, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर के लिए, मैं आपको ये सारी फाइल्स डिलीट करके एक नई फाइल इसके अंदर बना रहा हूं, ताकि आपको टैग के हवाले समझे। लेस देन और ग्रेटर देन, ये टैग आप इसके अंदर जब भी कोई लिखेंगे वो HTML और इसको बंद करेंगे तो बैक स्लैश से बंद। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये जब ब्राउजर के पास जाती है तो जो एक बात समझनी है, ये सी शार्प की तरह नहीं है, ये एरर कोई नहीं जनरेट करती, इट्स नॉट अ प्योर लैंग्वेज। जो इसका टैग नहीं होगा ये इसको फॉरगेट कर देगी, नहीं पढ़ेगी, लेकिन एरर जनरेट नहीं करेगी। अब जैसे HTML है, इसके अंदर हम एक टैग होता है जिसको कहते हैं हेड टैग। हेड टैग के अंदर आपकी वो इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि टाइटल है, टाइटल फॉर एग्जाम्पल डार एजुकेशन, डार एजुकेशन बेस्ट, डार एजुकेशन बेस्ट IT एजुकेशन इन उर्दू, ये मेरा टाइटल है। आप जरा गौर करेंगे कि जैसे मैं इसको करता हूं, आप इसको सेव करें, मैंने एक फाइल के तौर पे इसको सेव कर रहा हूं, और ये .html एक्सटेंशन में होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे चले सेव कर लेता हूं, इसके लिए मैं पहले एक साइट को मैनेज करना चाह रहा हूं, पहले एक मैनेज साइट्स कर लें, यहां पे न्यू साइट बना रहा हूं और इसका नाम रख रहा हूं HTML lessons। ये मैं इसलिए बनाता हूं साइट ताकि मेरी जितनी भी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पे मौजूद हो। HTML lessons सेलेक्ट कर लूं, सेव, ये मेरा डन कर रहा हूं, ये मेरी फाइल्स आ गई। अब इसको मैं सेव करता हूं, अब ये ऑटोमेटिकली HTML lessons में लेसन नंबर सेशन नंबर 1 कर लें, सेशन नंबर 1 यूज ऑफ हेडिंग। अब ये मेरा जो टाइटल है, आप जरा गौर करेंगे कि यहां पे भी आपको यही टाइटल लिखा हुआ है। ये वो उस वक्त होता है जब आप चलते हैं तो आपके ऊपर वेबसाइट के ऊपर ब्राउजर में आपको नजर आए नहीं, जैसे ये इसको रन करते हैं ना प्रीव्यू इन क्रोम, देखें अब ये इसका क्रोम खुलेगा, जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ लिखा हुआ आएगा डार एजुकेशन बेस्ट आईडिया। ना सिर्फ ये बल्कि ये SEO को सपोर्ट भी करता है, जब आप किसी वेबसाइट को ढूंढते हैं तो उसके ऊपर जो नाम आता है उसकी बार पे उसके लिए टाइटल आता है। आप इसके अलावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, आप PHP के कोड डालेंगे तो वो भी सारे के सारे हेड टैग में आते हैं। हेड टैग को मैंने बंद कर दिया, यहां से एक टैग शुरू होगा जिसको हम कहेंगे बॉडी टैग। सारे टैग्स किसके अंदर आएंगे? इस बॉडी टैग के अंदर। ये बेसिकली बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है HTML। अगर आपको ये समझ आ गई है तो अब मैं आपको एक बताता हूं हेडिंग के लिए। H1 इज द हेडिंग। अच्छा, एक काम और जो गलती आपने नहीं करनी वो ये है कि इसके अंदर तीन चीजें हैं, ऊपर बताऊं, एक है कोट, एक सप्लेट, इसमें दोनों व्यू आएंगे, और एक होगा डिजाइन व्यू। अगर आपने डिजाइन व्यू में लिख के कोडिंग की तो वो एज इट इज छप जाएगा, वो कोड नहीं होगा। कोड आपका हमेशा, आपने कोडिंग करनी है तो वो आपने यहां लिखा। अब जब आप इसमें लिखेंगे H1 तो H1 से मराद है हेडिंग, तो कुल हमारे पास H6 तक हेडिंग होती है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब जैसे मैं यहां पे लिखता हूं डार एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल।
अब इसको देखें, H1 मैंने किया, इसको क्लोज किया, इसको सेव करके अब इसका डिजाइन व्यू में देखेंगे तो ये आपको जो मैंने लिखा है वो आपको यहाँ पे। अब इसी को समझें, अगर मैंने अपने पेज के अंदर वेबसाइट में कहीं पे भी हेडिंग यूज करनी है तो मुझे H1 की जरूरत है। अब मैंने यहाँ पे ये इतनी सारी हेडिंग्स क्यों ली, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कुल हेडिंग्स कितनी है। अब देखें H2, H3, H4, H5 और H6 टैग्स को आपने उन्हीं के साथ बंद करना है, H2, H3, H4, H5 और H6। इसको सेव करूंगा और यहां से रिफ्रेश करूंगा। अब आपको नजर आना चाहिए कि ये सारे साइज हैं, ये हेडिंग्स के साइज हैं। अब HTML में H67 नहीं हो सकता, H68 नहीं हो सकता, H7 से ऊपर नहीं हो सकती। अगर हुई, आपने लिखा तो एरर मैसेज नहीं आएगा, बल्कि वो इसको एक नॉर्मल टेक्स्ट के तौर पे ट्रीट करेगा। बोल सकते हो तुम इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या मैंने किया ना 68 किया? कहाँ है ये डायरेक्टेशन फॉर ऑल? हेडिंग नहीं है, हेडिंग नहीं बनेगी। अब जैसे अहमद, अब इसमें कोई नहीं, हम इसमें रिकॉर्डिंग में बोल भी सकते हैं, आपको क्वेश्चन है अहमद, यू कैन सी दिस हेडिंग? एरर नहीं आएगा, जिस तरह सी शार्प में या दूसरी लैंग्वेजेस में एरर आते हैं ना, पीएचपी में लिखेंगे एरर आएगा। जी कैसे पता चलेगा कि हेडिंग नहीं है? हेडिंग देखिए, हेडिंग का एक खास बोल्डनेस है, एक खास एक फॉन्ट है, आपको अभी पता चल रहा है। इसको सेव किया हुआ है हमने, आप इसको रिफ्रेश करें अपनी वेबसाइट पर, देखें इससे वाजे पर, क्योंकि ये पैराग्राफ के तौर पे डील करता है। मैं आपको एक और टैग बता रहा हूँ, ये पी टैग, वी बिलीव दैट वी विल प्रोवाइड द बेस्ट आईटी एजुकेशन विदाउट नो कॉस्ट। जब भी आपने पैराग्राफ लिखना है, आप देखेंगे कि पैराग्राफ का और इसका ऑलमोस्ट सेम है। जब एक टैग जिसको नहीं वो पढ़ सकता ना, तो वो उसको क्या करेगा, इग्नोर कर देगा और उसको आम पैराग्राफ टेक्स्ट के तौर पे डील करेगा। अच्छा, अब बिलफर्ज आपने यहाँ पे H1 को क्लोज नहीं किया, मेरी बात को फॉलो कीजिए, आपने H1 नहीं क्लोज किया, अब क्या इफेक्ट होगा आप जरा देखिएगा इसको। आप देखेंगे कि उसने H1 की जो डार एजुकेशन पहली हेडिंग थी उसको भी इग्नोर कर दिया, उसने एक आम पैराग्राफ। अगर आपने उसको क्लोजिंग ही नहीं दी तो वो इसको इस तरीके से करेगा। अगर टी टैग ना भी यूज करें, जस्ट उसमें कोई गलती कर दे तो वो भी पैराग्राफ। मजे की बात ये है कि अगर आप ये HTML हेड टाइटल कुछ भी नहीं लिखते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे alt f n करता हूँ, एक न्यू फाइल बनाता हूँ और मैं सिर्फ HTML की फाइल लेता हूँ, आप ये समझें इस चीज को ताकि आपका ज़हन में, हेलो अहमद, यू विल सी दैट दिस विल बी अ वेब पेज, डू यू थिंक सो? हम इसको सेव कर रहे हैं, मैंने इसको सेव किया है सिंपल HTML 5। ओके, अब इसको मैं ब्राउजर करता हूँ, ब्राउज करके देख लेता हूँ, प्रीव्यू इन क्रोम, यू कैन सी कि ये, हालांकि मैंने इसके साथ कोई HTML हेड टाइटल्स नहीं लगाए, लेकिन उसने फिर भी उसको वेब पेज के तौर पे लिखा। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह ये है कि ये आपके रूल्स और रेगुलेशन के नहीं, कल को आपने जब PHP स्क्रिप्ट वगैरह करने, तब आप उसको ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात यह कि जो ब्राउजर है वो सिर्फ .html की फाइल को चलाता है, ये आपने याद रखना। ये जो PHP होगी, JSP होगी, ओल्ड फ्यूजन होगी, पर्ल होगी, रूबी ऑन रेल होगी, ये सारी की सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो जितनी भी हैं, इनके चलाने के लिए आपको क्या चाहिए? बेसिकली आपको वेब सर्वर चाहिए। जब वेब सर्वर होगा तो ये चलेंगे ASP.NET को चलाने के लिए, लेकिन HTML की फाइल को चलाने के लिए आपको कुछ नहीं, कोई वेब सर्वर की जरूरत आपको नहीं।
उसके लिए सिर्फ जरूरी क्या है कि डॉट एचटीएमएल के फाइल होने चाहिए। कुल आपके पास h6 तक हेडिंग होती है, h1 से लेके h6 तक, और पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि वो एक लाइन में आती है। पैराग्राफ की कुल इस तरह की शेप होती है। अगर हम अपनी एप्लीकेशन की तरफ वापस जाएं, इसको मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि अब इसकी नीड नहीं है। अब इसी के अंदर मैं एक हेडिंग रख रहा हूं इस तरह से, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द दिस वेबसाइट इज टू प्रोवाइड द बेस्ट आईटी एजुकेशन इन देयर ओन लैंग्वेज। In their own language, we also provide the practical examples for that. Let's suppose एक थोड़ा सा सी समय नहीं है, जैसे मैं इसको सेव करता हूं, मैं इसको बंद कर रहा हूं, आप इसको देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये पैराग्राफ बनता जाए, पैराग्राफ की एक शक्ल है। आप बेशक इसके अंदर ड्रीमवीवर के अंदर आप इसमें जितनी दफा मर्जी लाइन मार दें, ऐसे करते हैं, स्पेस देने की कोशिश करें, इससे उस ब्राउजर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्राउजर उसको ऐसे डिस्प्ले करें, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन पेज, आपने इस टैग्स को याद, उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।